दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। हफ्ते में बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, लेकिन हमारी सीमा है कम समय में, कम शब्दों में आप तक हमें कुछ प्रमुख खबरों को पेश करना है। लेकिन हम आपके सामने आज पेश करेंगे सिर्फ एक बड़ी खबर, जो मैं समझता हूं कि इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए, और वो ये कि लोकतंत्र में कहा जाता है कि चुनाव जो हैं लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व हैं। तो अभी अपने देश में 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। जाड़ा खत्म हुआ, गर्मियां शुरू हो गई देश में मौसम के हिसाब से, और चुनावी सरगर्मी भी शुरू हो गई। तो चुनावी गर्मियों में क्या क्या हो रहा है, हम इस खबर को आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन हम ये बताना नहीं भूलेंगे कि आज किसान आंदोलन का 100वां दिन है, और किसान आंदोलनकारी, किसान आंदोलन के समर्थक काला दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर वो कई कार्यक्रम कर रहे हैं, हम उस पर आज लेकिन नहीं जाएंगे। बस एक चीज बस हम याद दिलाने के लिए आज किसान आंदोलन की चर्चा की कि आज 100 दिन हो गए, लेकिन चुनाव मैदान में उतरी केंद्र की सत्ताधारी दल, केंद्र का जो सत्ताधारी पार्टी है, वो कहीं भी चुनाव में किसान और किसान आंदोलन का नाम तक नहीं ले रही है। बंगाल में वो जाती है, सारी चीजें सारी बातें करती है, लेकिन किसान का नाम लेने से घबराती है। असम में भी किसान का नाम लेने से घबराती है, तमिलनाडु में भी किसान का नाम नहीं लेना चाहती। वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती है, बड़े बड़े हाईवेज की बात करती है, लेकिन वो कृषि और किसानी से दूर ही रहने की कोशिश कर रही है। अभी तक जो हमने चुनाव प्रचार अभियान भारतीय जनता पार्टी का देखा, फॉलो किया है, उसमें इस मुद्दे को उसने सबसे पीछे छोड़ रखा है। हो सकता है कि जब प्रधानमंत्री जी कैंपेन पर उतरें ज्यादा से ज्यादा राज्यों में, तो हो सकता है कि वो अपनी बात रखें, उस तब हम जरूर आपके सामने बात ये जरूर करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो चुनाव हो रहे हैं बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल, पुडुचेरी, इन राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्यों में कुल मिलाकर करीब करीब 824 सीटें हैं। 3 और सीटें अगर पुडुचेरी की जोड़ी जाए जो नॉमिनेशन की हैं, तो 827, लेकिन हाँ जो चुनाव हो रहे हैं 824 सीटों पर हो रहे हैं। पूरे देश की जितनी असेंबलीज हैं और जितने इलेक्टेड उसके नुमाइंदे होते हैं, उसके हिसाब से अगर हम जोड़ें ये संख्या, तो तकरीबन देश के 20% तकरीबन 20% विधायकों का चयन इस बार अप्रैल महीने के बाद, यानी मार्च के लास्ट वीक में शुरू हो रहा है इलेक्शन मतदान, और अप्रैल के लास्ट वीक तक जाएगा, और 2 मई को चुनाव का नतीजा आएगा। तो इस दरमियान 20% विधायक देश के चुने जाएंगे इन 5 राज्यों से। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से, केंद्र की सत्ताधारी जो पार्टी है, जिस तरह से उसने अपने विपक्षियों या प्रतिस्पर्धियों को जो चैलेंज दिया है, वो तिहरा है, दो तरफा ही नहीं है, तिहरा मैं कहूंगा। सबसे पहले तो चुनाव लड़ने की जो उसकी मशीनरी है और जिस तरह का उस कैंपेन है, एक तरह की यूं कहा जाए कि समाज में एक विभाजन, एक अजीब तरह की हवा वो बना देते हैं विभाजन की, जिसमें धर्म संप्रदाय हर तरह की चीजों का उपयोग और इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या मजाल की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग है, इस पर कोई ध्यान दे। तो एक तो ये बड़ा चैलेंज है कि कैसे दूसरे दल, जो आम तौर पे पुराने ढंग से चुनाव लड़ने के आदि रहे हैं, वो कैसे इस चुनौती का कैसे सामना करें। और दूसरी बात कि चुनाव के दरमियान बहुत सारे और उसके पहले इतने हमले तेज हो जाते हैं उन लोगों पर, उन दलों पर जिनसे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला होना है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे अगर बंगाल में उनका टीएमसी से मुकाबला है, तृणमूल कांग्रेस से मुकाबला है, तो छापेमारी की कार्रवाई शुरू हो जाती है पहले ही। अब टीएमसी के नेता
बड़े नेता, उनके परिवार वाले, सबको वो घेरे में लेने की कोशिश करते हैं। और हमने देखा कि बंगाल में अभी क्या हुआ। अभी आप देखिए केरल, केरल को भी नहीं छोड़ा, जहां के मुख्यमंत्री और जहां की सरकार पूरे देश में बेहतरीन गवर्नेंस के लिए और साफ सुथरी सरकार के लिए विख्यात है, उस केरल पे भी अब इनकी नजर चढ़ गई है, जहां से इनके विधायक तक नहीं जीतते, किसी तरह से खाता खुला था पिछली बार। और अब देखिए, अब उनकी कोशिश है कि कैसे केरल में ज्यादा कुछ सीटें हासिल करें, और इसके लिए वो मुख्यमंत्री जो पिनरई विजयन हैं, उनको, उनकी सरकार को, उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं सरकार के, अब जैसे एक डिपार्टमेंट है केरल में, केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड, इसके दो बड़े अफसरान को उन्होंने घेरे में लिया है कि साहब इन्होंने जो डेवलपमेंट के नाम पर जो विदेश से फंड ऑर्गेनाइज किया उसमें क्या गैर कानूनी मामला है। जबकि वहां के जो वित्त मंत्री हैं, जो स्वयं एक अर्थशास्त्री हैं, वहां के और जो सरकार के नुमाइंदे हैं, उन्होंने साफ कहा कि आरबीआई की गाइडलाइंस कफ को फॉलो किया गया, आरबीआई के नियमावली को उनसे बाकायदे परमिशन लेकर सब कुछ किया गया, लेकिन फिर भी चूंकि चुनाव में ये एक झूठ का प्रचार करना है कि केरल की सरकार ने ऐसा किया वैसा किया, इसलिए इस मामले को भी सामने लाया है। तो पहले एनआईए, इसके बाद सीबीआई, इसके बाद ईडी, इसके बाद अब कस्टम। अब कस्टम को लगाया गया है कि मुख्यमंत्री पिनरई विजयन पर सीधा हमला बोलो कि कैसे गोल्ड स्मगलिंग में उनका भी हाथ है। माने इस तरह के झूठे, इस तरह के बहुत ही, मतलब यूं कहा जाए कि बिलो द बेल्ट, इस तरह से हमला करने की जो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, वो हम सब देख रहे हैं कि किस तरह चुनाव से पहले ही इस तरह की हमले वो अपने प्रतिस्पर्धियों पर, अपने विपक्षियों पर करती है। और जो पार्टी खासकर ताकतवर हो उस पर तो जरूर करती है, ताकि उसको बताया जा सके कि भले ही हम यहां कमजोर हैं इस प्रदेश में, लेकिन हम फिर भी बाज नहीं आएंगे। तो यह एक भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश है कि केंद्र की एजेंसियों का सहारा लेकर चुनाव में कैसे मुनाफा कमाया जाए, कैसे लाभ कमाया जाए, कैसे प्रतिस्पर्धियों को सबसे पहले डरा दिया जाए। तो ये यूं कहा जाए कि केरल में या तमिलनाडु में या बंगाल में इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और आपने देखा कि पुडुचेरी जैसे छोटे राज्य में, जहां महज 30 सीट है, वहां भी सरकार पहले ही खत्म करा दी गई, पहले ही दल बदल से सरकार को पलट दिया गया। अब तीसरी जो बात होती है, आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो एक स्ट्रेटजी अपना रखी है, एक टैक्टिस उनकी जो है, कि अगर किसी दल को चुनाव के बाद प्रचंड बहुमत नहीं मिलता, बहुत ज्यादा बहुमत अगर किसी विपक्षी दल को नहीं मिलता, तो सिंपल मेजॉरिटी आने पर या काम चलाऊ बहुमत आने पर वो विधायकों को इधर से उधर या इस्तीफा कराकर किसी न किसी तरह से माइनॉरिटी में होने के बावजूद सरकार बना ले। और हमने देखा कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ, हमने देखा कि गोवा में क्या हुआ, हमने और भी प्रदेशों में देखा है, पहले मणिपुर में देखा है, कर्नाटक में देखा है। और अब दोस्तों यकीन मानिए कि बंगाल में अगर मौजूदा टीएमसी या कोई भी सरकार, कोई भी दल अपना बहुमत अगर लाता है और सिंपल मेजॉरिटी के आसपास ही केवल रहता है, तो बहुत मुश्किल है सरकार को सरवाइव करना। क्यों? क्योंकि हमारी जो जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी इस लाइन पर भी काम कर रही है अभी से, कि कैसे बंगाल और असम जैसे प्रदेशों में, जहां उसका सबसे बड़ा स्टेक है, कि चुनाव के बाद भी हम चुनाव करेंगे, चुनाव के बाद भी हम चुनाव जैसी दलबंदी करेंगे। और वो ये है कि विधायकों को तोड़ना फोड़ना और कैसे नए समीकरण कायम करना, ये भी एक भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी का हिस्सा बताया जा रहा है। और बीजेपी के इनसाइडर भी इस तरह की बातें बता रहे हैं। तो अब देखना यह है कि इस चैलेंज को कैसे विपक्षी दल कैसे इसको काउंटर करते हैं, क्योंकि जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है, कमोबेश ये ऐसे राज्य हैं जहां के विपक्षी जो हैं अभी भी ताकतवर हैं, अभी भी वो डरते नहीं हैं, अभी भी वो ब्लैकमेल नहीं होते उत्तर प्रदेश के या दूसरे कई और राज्यों के सियासतदानों की तरह या सियासी पार्टियों की तरह। तो ये एक बड़ा पहलू जो मैं आपके सामने लाना चाहता था। दूसरी बात दोस्तों कि बंगाल में सबसे अधिक 294 सीटें हैं, तमिलनाडु में 234, असम में 126, केरल में 140, पुडुचेरी में 30,
और अगर आप देखें इन सभी राज्यों के बारे में तो निस्संदेह जैसा मैंने पहले कहा कि बंगाल और असम में बीजेपी का स्टेक ज्यादा बड़ा है। भले ही उसके पास बंगाल विधानसभा में आज 3 विधायक हैं, एक बात तो मानी पड़ेगी, एक तारीफ भारतीय जनता पार्टी की मैं आज करना चाहता हूं कि सोचिए कि 2016 के चुनाव में उसके पास सिर्फ 3 विधायक जीते थे विधानसभा में, लेकिन 18 MP उन्होंने 2019 में हासिल किए और उसके बल पर आज वह TMC को चुनौती देने वाली सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। और सारे उसके विरोधी, उसके आलोचक भी मानते हैं कि अगर TMC के खिलाफ सबसे नजदीकी अगर मुकाबला किसी का है तो वह बीजेपी का है। और हालांकि हाल के दिनों में लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस पार्टी और ISF जैसे जो दल हैं उन्होंने जो एक बड़ा गठबंधन कायम किया है और उनकी परेड ग्राउंड में एक बहुत बड़ी जो रैली हुई है उससे एक तीसरा कोण या यूं कहा जाए इलेक्शन को ट्रायंगुलर बनाने की कोशिश भी एक मैं समझता हूं कि काफी ताकतवर ढंग से उभरी है। लेकिन यकीनन भारतीय जनता पार्टी को मानना पड़ेगा कि 3 विधायकों की पार्टी आज ये दावा कर रही है कि वह भी सरकार बनाने की दौड़ में शामिल है। और कई सर्वेयर तो ये भी कह रहे हैं कि नहीं साहब, कोई आश्चर्य नहीं कि वो बहुमत पा जाए। हालांकि मैं इस तरह की भविष्यवाणियों में यकीन नहीं करता और मेरा मानना है दोस्तों कि बंगाल का चुनाव बहुत कांटे का है, बहुत तगड़ा चुनाव है। खासकर इसके त्रिकोणी हो जाने के बाद देखना ये होगा कि कैसे इक्वेशंस इभरते हैं और अभी चुनाव के लिए काफी समय बाकी है, कैसे सभी दल अपनी गोलबंदी को, अपनी दलबंदी को मजबूत करते हैं। जहां तक असम का सवाल है, असम में मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है और खासकर लोअर असम के इलाके में। और यही कारण है कि लोअर असम में ही भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता रंजीत दास, जो बीजेपी के वहां प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनको अपनी सीट छोड़कर जो बारपेटा से वो लड़ते थे उनको जाना पड़ा है, प्रदेश अध्यक्ष रंजीत दास को दूसरी सीट पर, जो सरभोग से वो लड़ते थे उनको सीट बदलनी पड़ी है। क्यों? क्योंकि बोडोलैंड की जो बहुत महत्वपूर्ण पार्टी है बोडोलैंड BPF, वो और अजमल बद्रुद्दीन अजमल की AIDF के साथ कांग्रेस और लेफ्ट का एक अलायंस जो है वो एक बड़ी चुनौती बनकर असम में उभरा है। तो अपर असम के कुछ एक हलकों में बीजेपी अभी भी स्ट्रांग जरूर है, लेकिन अगर असम के दूसरे तमाम हिस्सों को देखा जाए तो विपक्ष लगातार हावी होता जा रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा संकट है। बिल्कुल चलते चलते तमिलनाडु पर मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी कहीं कुछ नहीं है, कहीं वो एक ताकत के रूप में मौजूद नहीं है, लेकिन सत्ताधारी अन्नाद्रमुक को वही चलाती है। और अजीब विडंबना है कि कई जगह वो पार्टियों को डराती है, धमकाती है और गोदी पार्टी बना देती है। गोदी पार्टी अपने 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 अंकुश में, अपनी गोद में रख लेती है, लेकिन कई जगह जहां वो कुछ भी नहीं है वहां भारतीय जनता पार्टी ने रिमोट से पार्टी और सरकार चलाना शुरू किया है। उसमें तमिलनाडु एक एग्जाम्पल है। अब देखना है कि DMK जो करुणानिधि जी की जाने के बाद, उनके निधन के बाद पहली बार चुनाव मैदान में उतरेगी स्टालिन, MK स्टालिन के नेतृत्व में। अब देखना है कि करुणानिधि के अनुपस्थिति में स्टालिन इस चुनाव की अगुवाई कैसे करते हैं और अपने अलायंस को कैसे एक ताकतवर अलायंस के रूप में खड़ा करके और बीजेपी के रिमोट से चलने वाली अन्नाद्रमुक को इस तरह शिकस्त देते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। माना यह जा रहा है कि अन्नाद्रमुक के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। केरल की जहां तक बात है, केरल में लेफ्ट फ्रंट और जो कांग्रेस है दोनों के मुकाबले में अगर कोई तीसरी बात, तीसरे किसी विकल्प की बात सोचने की है तो मैं नहीं समझता कि कोई तीसरा विकल्प है कहीं से भी। कुल मिलाकर लड़ाई कांग्रेस और लेफ्ट के बीच है। देखना है कि क्या नतीजा निकलता है। पुडुचेरी
एक छोटा सूबा है, लेकिन वहां भी लड़ाई उसी तरह की है कि कैसे कांग्रेस डीएमके और अन्य जो ताकत जो पार्टियां हैं, खासकर अन्ना द्रमुक बीजेपी, वो कैसे इस चुनावी सरगर्मी को, चुनावी इस रसाकसी को कहां ले जाते हैं, किधर ले जाते हैं और जनता को कैसे प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, इस बार एक चुनाव पर हमने आपको संक्षिप्त एक ब्यौरा रखा। हम आगे भी चुनाव पर आपको ज्यादा और ठोस मुद्दों पर, एक एक मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे। इन शब्दों के साथ नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.